वर्क परमिट लेने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है ये है, ये आपके पास आया तो फिर ये मिलेगा आपको, अगर ये आपके पास नहीं आया तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रेड कार्ड है, ये रेजिडेंस कार्ड है, टीआर से कहते हैं, ठीक है, रेजिडेंस कार्ड, ये कार्ड, ये है ब्लू कार्ड, वर्क परमिट जिसको वर्क परमिट, ठीक है, जिस पे हम काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। फाइनली पिछली मैंने वीडियो बनाई थी कि टीआरसी के बारे में, कि आप लोग टीआरसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, टीआरसी के क्या क्या फ़ायदे हैं। जिन लोगों ने नहीं वो वीडियो देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। बाकी आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वर्क परमिट टर्की का कैसे ले सकते हैं, वर्क परमिट के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह बंदा अप्लाई कर। वापसी मैंने बुलाया फिर अपना अरबाज़ भाई को इसी मकसद के लिए। अरबाज़ भाई, आप बताएं कि वर्क परमिट हम कैसे ले सकते हैं। देखो, मैंने आपको पीछे इन्फॉर्मेशन दी थी कि सबसे पहले वर्क परमिट लेने के लिए आपको चाहिए होता है वीज़ा। आपको अब तो ये भी हो गया कि डायरेक्ट पाकिस्तान से वर्क परमिट भी मिल रहे हैं, कंपनी वीज़ा नहीं जो इसको बोलते, जैसे सऊदी अरब दुबई में मिलते थे, तो अब इस तरह भी मिल रहे हैं, मगर 100% नहीं इस तरह मिलते, कई कई बंदों के पास होते हैं, मोस्टली नहीं है। मोस्टली इसका ये प्रोसीजर है कि आपको विजिट वीज़ा लेना है, विजिट वीज़ा लेके आपने इधर आपको रेजिडेंस लेनी पड़ेगी एक साल के लिए, क्योंकि वो विजिट वीज़ा होता है। तो आपको फिर टीआरसी लेने के लिए वीज़ा, आप जब इधर आते हो तो आपको टीआरसी अप्लाई करनी पड़ती है, ये टीआरसी होती है, ठीक है। अब फिर वर्क परमिट लेने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है ये है, ये आपके पास आया तो फिर ये मिलेगा आपको, अगर ये आपके पास नहीं आया तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रेड कार्ड है, ये रेजिडेंस कार्ड है, टीआरसी कहते हैं, ठीक है, रेजिडेंस कार्ड, टीआरसी कार्ड, ये है ब्लू कार्ड, वर्क परमिट जिसको वर्क परमिट, ठीक है, जिस पे हम काम कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इधर लीगल, अगर आप कानून की नज़र से देखा जाए तो इस पे हमें वर्क अलाउ नहीं है, मगर लोग करते हैं। टीआरसी पर वर्क अलाउ नहीं है, इस पे वर्क अलाउ है, इसको बोलते हैं वर्क परमिट। तो इसको लेने के लिए पहले आपको ये चीज़ लाजम है, अगर आपके पास ये चीज़ है तो इसकी बेस पे फिर आपका ये बनता है। जब आपका ये बन जाएगा ना, तो फिर ये आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल हो जाती है, ठीक है, फिर आपकी इस रेजिडेंस कार्ड की वैल्यू नहीं होती, फिर आप इस पे आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, यही आपका वर्क परमिट हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये तरीक़ेकार है, तो आप पहले आएँ इधर आके, आप रेजिडेंस कार्ड लें, फिर आप अप्लाई करें। इसको आप अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूँ। इसको आपको अप्लाई करने के लिए जो होटल्स वगैरह होते हैं इधर, जो बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, जो जो जॉब्स दिलवाते हैं आपको, उनके पास जाना पड़ेगा। उनके चार्जेस होते हैं, कुछ कंपनीज के मुख्तलिफ होते हैं, कुछ के मुख्तलिफ होते हैं, इंटरव्यू इधर होते हैं, वो फिर आपको जॉब के लिए आगे रेफ़र करते हैं कि हाँ जी भाई इस होटल में जॉब है, आपका इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर वो आपको एक महीने का टाइम देते हैं कि आप एक महीना घर में वेट करो, आपको एक महीने के बाद जब आपका ये परमिट आ जाएगा आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो। इस पर फिर ये होता है, इसका ये फ़ायदा ये है कि इस पर ये होता है कि आपको नहीं, होटल के बगैर बंदा नहीं ये अप्लाई कर सकता, नहीं कर सकता है, मतलब जॉब है। अगर आप आपको इधर जॉब मिलती है तो आप अगर फ्री में इसको लेना चाहते हैं तो फिर आपको कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो जॉब जिस तरह के लाइक किसी भी ऑफिस में मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल है, इधर ज़्यादा होटल्स जॉब है, ठीक है। तो किसी भी अगर आप जगह में लेते हैं तो वो जो कंपनी है वो उनको आपको वर्क परमिट हायर करना पड़ता है। तो अरबाज भाई, इस पर जॉब कौन कौन सी मिल सकती हैं? यार इस पर जॉब्स देखें, बहुत सारी जॉब्स मिल सकती है अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, अगर वो कोई किसी ऑफिस वगैरह में, टीचिंग की, इधर ज़्यादा टीचिंग की जॉब मिल जाती है, जो उसके लिए ये कि आपको सबसे पहले इनकी जो लैंग्वेज है तुर्कीश, वो तो आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी इनकी फिर ये है, जो दूसरी इनकी जो लैंग्वेज है ना, तो इंग्लिश है आपको। इसके लिए ये एक है सर्टिफिकेट होता है टेसोल, अमेरिकन यूनिवर्सिटी का, वो अगर आपके पास आया तो आपको टीचिंग जॉब ईजिली मिल सकती है। फिर आपका इंटरव्यू होता है, आप इंटरव्यू जब देंगे वो आपको बोलेंगे जी आप सेलेक्ट हैं, आपका ना वर्क परमिट जब आ जाएगा हमारे पास, हम अप्लाई कर देते हैं, तो फिर आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो एजुकेटेड नहीं पर्सन, जो किसी होटल वगैरह में मिल जाती है, कहीं भी जगह में मिल जाती है ना, तो वहाँ पे आपको ये आपको सबसे पहले कार्ड बना के देंगे। इस पे अगर आपको मिलेगी ना, तो जो इधर फैक्ट्रीज की नहीं जॉब होती, जो छोटे लेवल पे होती है, उस पे वर्क परमिट कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वही लीगल पर्सन को, वहाँ लीगल पर्सन को सबको मिल जाती है। अगर किसी आप 5-स्टार होटल या अच्छे कोई ऑफिस या हॉस्पिटल किसी में भी अगर आपको देंगे, जहाँ एम्प्लॉय ज़्यादा होंगे, ठीक है, ऑफिशियल होगा सारा उनका काम सेटअप होगा, तो उसके लिए फिर ये आपको ये देंगे वर्क। जो बंदे पढ़े लिखे आना चाहते हैं यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं, मेन चीज़ है टर्किश लैंग्वेज लाजमी है। इस पर फिर आपका ये होता है कि अगर आप 6 महीने अगर आप काम करते हैं ना उनके पास, तो आपका एक स्टेटस बन जाता है, 6 महीने के अंदर आप इनसे NOC ले लें। NOC होता है, एक लेटर होता है इजाज़तनामा, वो अगर आपको NOC मिल जाता है इसलिए यहाँ से, वो जब आपको NOC मिल जाता है तो फिर आप उस
सी की बेस पे शेंजियन किसी भी कंट्री यूरोप कंट्री का आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इस पर ईजिली मिल सकता है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है, जो दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप 3 साल रहते हैं तो आपको तुर्किश पासपोर्ट मिल सकता है, अप्लाई कर सकते हैं उसका। सो मेन मकसद था आप लोगों को गाइड करना, बताना कि अगर आना है लीगल आओ, अपनी जान दाव में ना लगाओ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है यार। मैं तो अपनी हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि डेंकी ना लगाओ, बाकी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, कुछ भी पूछना आप कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब करो इसके चैनल को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बाकी सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपकी मर्ज़ी है। आओ तो लीगल आओ, डेंकी ना लगाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।